भूल कर भी ना रखें ये लोग सावन का व्रत। लाभ की जगह हो सकता है नुकसान, इन लोगों को नहीं करना चाहिए सावन का व्रत। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। कहते हैं कि भगवान शिव जी की सच्चे मन से आराधना और रुद्राभिषेक करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। धर्मशास्त्रों में सोमवार का व्रत बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। व्रत रखने से मन की इच्छा पूरी होती है, जीवन के तमाम कष्ट भी दूर हो जाते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुछ लोगों को व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसे लोग व्रत करें तो उन्हें शिव जी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। इसके अलावा इन लोगों को व्रत पूजा का फल भी नहीं मिलता। चलिए आपको बताते हैं कि किन लोगों को सावन का व्रत नहीं रखना चाहिए। पहला है रजस्वला स्त्री। रजस्वला स्त्री को व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का अधिक संचार होता है, इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते। दूसरा है असंकल्पी। असंकल्पी व्यक्ति को व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत करने से उत्तेजना और बढ़ जाती है और व्रत करने पर व्रत भंग होने की संभावना हो तो ऐसे असंकल्पी व्यक्ति को व्रत नहीं करना चाहिए। शारीरिक या मानसिक मेहनत करने वाले। घर गृहस्थी में कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिनको करना होता है, जिनको करने से शारीरिक या मानसिक श्रम लगता है और मानसिक कष्ट हो तो भी व्रत नहीं रखना चाहिए। अगला है रोगी। रोगी व्यक्ति को व्रत नहीं रखना चाहिए। रोग या बुखार आदि स्थिति में भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यात्री को व्रत नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति लंबी यात्रा पर हो उसे भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। सैनिक को जो विशेष अभियान या युद्ध पर हो, युद्ध के जैसी स्थिति में भी व्रत त्याज्य है। अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। अशौच अर्थात अशुद्ध, मलिनता आदि, यानी बगैर स्नान करे या नशे आदि का त्याग करे बगैर व्रत नहीं रख सकते हैं। कमजोर व्यक्ति जिनकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो उसे भी व्रत नहीं रखना चाहिए। उसे उत्तम फल और भोजन का उपयोग करना चाहिए। अगला है बच्चे। बच्चों को व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसका शरीर निरोगी रहने के साथ ही विकसित हो रहा होता है, इसलिए बच्चों को व्रत नहीं रखना चाहिए। वृद्ध बूढ़ों को भी अपने शारीरिक स्थिति अनुसार व्रत नहीं रखना चाहिए, या वे व्रत के खाद्य पदार्थ खाकर व्रत रख सकते हैं। इन लोगों को सावन के सोमवार के व्रत नहीं रखने चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।